U is a speed of the ball relative to the wicket behind the bat and B is the speed of the bat. मतलब अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था कि ये फिक्स अपनी जगह रहता था और ये जाता था लौट के वापस आता था. बोलो, ये हमने कहा था बी वन जा रहा है, वो किससे आ रहा है? तो चेंज इन जो मोमेंटम हम लोग निकालते थे वो फाइनल माइनस, तो एम बी टू माइनस एम बी वन, और यहाँ भी निगेटिव होता था और ये निगेटिव हटके यही आ जाता था बी टू प्लस. याद आया? ये था आपका. अब लेकिन इसमें ये भी मूव कर रहा है, तो ये भी जब मूव कर रहा है तो अब यहां पर कह रहे हैं कि यू स्पीड ऑफ द बॉल, यू जो है बॉल की स्पीड है और बैट की स्पीड क्या है, दोनों कैसे आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो अब बॉल की जो स्पीड हो जाएगी वो यू नहीं रहेगी, यू प्लस बी. अपोजिट नॉन मिक्सिंग मीडियम में, नॉन मिक्सिंग मीडियम जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. मिक्सिंग और नॉन मिक्सिंग जहां टच में हो वो मिक्सिंग, टच में नहीं है तो नॉन मिक्सिंग. जैसे रिवर बोट, अब रिवर की डायरेक्शन में बोट ले जा रहे हो तो आसानी से दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, उल्टा जाओगे वेलोसिटी माइनस हो जाती है. ठीक, बस और ट्रक ये आमने सामने टकराते हैं तो एक्सीडेंट खतरनाक हो जाता है क्योंकि आमने सामने वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है. ये नॉन मिक्सिंग हुआ, तो नॉन मिक्सिंग में अपोजिट में ऐड हो जाता है और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है. पीछे से जो है जाके गाड़ी टकराती है, अरे यार थोड़ा सा हेडलाइट टूटी, बाकी सही है क्योंकि वेलोसिटी माइनस हो जाती है. तो यहाँ दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं तो वेलोसिटी जो बॉल की हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बैट हो जाएगी यू प्लस बी. अब यू प्लस बी हो गई, अब समझो ये बी से नहीं जा रहा है, सीधे से किससे जा रहा है, यू प्लस बी से. ठीक, और इसके बाद जो बैट की वेलोसिटी है, देखिए यू इज द स्पीड ऑफ द बॉल, ये हो गया बॉल का और बी हो गया बैट का. तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे अब बॉल और बैट का, उस केस में हो जाएगा यू प्लस बी हो जाएगा. जैसे यहां निकालते थे, देखो मालूम मास हटा दो, वेलोसिटी की बात करें तो बी टू प्लस बी वन करते थे, तो हमारा जो है बी वन की जगह समझ लो ये हो गया और बी टू की जगह ये हो गया. बोलो, जैसे अब ये भी मूव कर रहा है, ये ना मूव कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम. अब ये समझ लीजिए कि हमने बी वन ये ले लिया, ये हमारा बी वन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो अब बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू प्लस. बस ये इकलौता क्वेश्चन है, बहुत पहले रतन गाइड हुआ करती थी उसमें क्वेश्चन मिलता था, तो वहाँ का क्वेश्चन इन्होंने आके एग्जाम्पलर में रखा हुआ है. ठीक, दूसरा आपका 37 है, एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल सर्टेन डायटॉमिक गैस फाउंड टू बी. तो कह रहे हैं गैस कौन सी होगी, तो अब ये देखो 37 बताओ बी आरएमएस के पहलू क्या होता है, अंडर रूट बोलो 3RT/m स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस, ये हो गया आपका 3.8 रूम टेम्परेचर और नीचे मास. कैलकुलेट करके निकालो मास कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2×10⁻³ kg में आएगा, तो यही 2 ग्राम हो जाएगा. और 2 ग्राम समझ गए किसका हुआ, हाइड्रोजन का. सो सॉल्व करके देखना वही आएगा. एट गिवन टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा ना बी ऑक्सीजन एंड बी 4:1. रुक जाओ, गिवन टेम्परेचर द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उल्टा कर दिया ना 1/ है, तो ये हो जाएगा 2/, तो हो जाएगा 1/5 मॉलिक्यूल्स गैस आर फॉलोज 2, 3, 4, 5, 6 रूट मीन स्क्वायर. तो बी आर एम एस बताओ
टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर प्लस फिर टू थ्री फोर फाइव स्क्वायर, और फाइव है तो फाइव डिवाइड कर दो, ये रूट मीन स्क्वायर हो गया। ऐसा चीज इसी में एवरेज निकालना होता तो क्या करते, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स अपान, तो एवरेज निकल आता। अब आते हैं हम लोग यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो, मतलब द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम रिफर पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन सिस्टम कैन हैव, मतलब कितने इंडिपेंडेंट मोशन पार्टिकल के पास हैं, गैस मॉलिक्यूल के पास हैं, वही हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। द इंडिपेंडेंट मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, मतलब जो ये हमारा गैस मॉलिक्यूल है तीन तरीके के एनर्जीज उसके पास हो सकती हैं, ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, और अब ट्रांसलेशनल जो लीनियर मोशन मॉलिक्यूल कर रहा है सीधे जा रहा हो, रोटेशनल रोटेट कर रहा हो, वाइब्रेशनल जो वाइब्रेट कर रहा हो। ये देखिए सीधे जा रहा है, ये ट्रांसलेशनल हो गया, ये इसे रोटेट कर रहा है तो क्या कह दिया, रोटेशनल हो गया, स्प्रिंग तरह इसे वाइब्रेट कर रहा है तो क्या कर दिया, वाइब्रेशनल हो गया। तो ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ कि ये तीन टाइप की जो हमारे पास एनर्जीज हैं इनसे मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसका मेन फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो होता है, हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, कोई विशेष फॉर्मूला इसे बनाया गया है, ठीक, 3a-b। अब 3a-b f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और a हो गया नंबर ऑफ एटम्स, a को हम क्या कहेंगे, और b जो है रिलेशन उन जो है एटम्स में। अब एक एक के बारे में बात करते हैं, पहले आते हैं मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सारी मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं। अब इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो बताओ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना है, और बी रिलेशन है, तो रिलेशन अकेले में कोई रिश्तेदारी तो बनेगी नहीं, अकेले में क्या रिलेशन यार, किसी के साथ रिलेशन होगा ना, तो क्या हुआ, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ गया, थ्री आ गया, बोलो थ्री आ गया। अब इस थ्री में मतलब कौन कौन सी एनर्जीज मूव करेगा, तो कौन से हो जाएगी, इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाती है थ्री। ऐसे पहले हम सबका निकाल लेते हैं, चलो मोनो के बाद आते हैं डायटॉमिक। अब डायटॉमिक में आपका ऑक्सीजन हो गया, तमाम ये सारी गैसें जितनी भी हैं सब ये डायटॉमिक में आ गई, एच टू हो गया, सब ये आ जाएंगे। अब डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे, अब डायटॉमिक में दो एटम है ना, तो थ्री इंटू टू, और दो हैं तो एक रिलेशन बनेगा, दो लोगों में एक ही रिश्तेदारी, ऐसा तो नहीं कि बदल जाएगा, वो कुछ लोग झूठ बोल दें अलग बात है कि हम उनके साथ जा रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता एक ही है, हम गलत नजरिए देखे थे, ठीक, तो झूठ ना बोले आदमी, सही बोले तो एक ही रिलेशन होता है, ठीक, तो रिलेशन यहाँ एक कर देंगे, और कितना आ गया, फाइव में थ्री और टू का रेशियो हो जाता है, तीन ट्रांसलेशनल एनर्जी होती हैं और दो रोटेशनल एनर्जी हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग
पॉलीएटॉमिक। इसमें जो है दो तरह होती है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक, लीनियर, अब जैसे आपके पास लीनियर का एग्जांपल बताइए, CO2, और नॉन लीनियर में H2O। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इनको ऐसे याद कर लेना, इसको निकालने का मेथड नहीं आ पाएगा। जैसे एक तो निकल आता है कि 3 × 2, तीन एटम है तो 3 × 3 हुआ, सॉरी 3 × 3 और -2, तो ये आ जाता 7। ठीक, लेकिन 6 वाले में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, तो दूसरा हम याद कर लेते हैं। तो उसमें कितना होता है, 6 होता है, और 6 में हमारे पास जो होती है तीन रोटेशनल और तीन बराबर बराबर हो जाती है। तो हमें ये जो ये तीनों है इनको रटना है। तो ये चाहे फार्मूला, यार को फार्मूला चेक करना पड़ना, इसको याद ही रट ही लेना, और रट ये लेना कि ये रिलेशन कोई खास ये फार्मूला बनाया नहीं, ऐसे समझने के लिए बनाया गया है कि ये आपका मोनोटॉमिक गैस में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया। ठीक, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में सभी सभी कौन से होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती हैं। इसका मतलब मोनोटॉमिक जो गैस होगा वो केवल एक तरह का मोशन उसमें होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होता, बाकी नहीं होता है। फिर इसके बाद आते हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आया, 5 आया। इसमें 3 और 2 का रेशियो होता है। ठीक, 3 और 2 का रेशियो होगा, इसका मतलब हो गया कि 3 ट्रांसलेशनल होती हैं और 2 रोट। ये अलग से ऐसे पूछ लिया जाता है, ज़्यादा तो नहीं आया लेकिन आया हुआ है। तो डायटॉमिक में 5 हुआ, 5 में 3 और 2 हुआ, 3 हो गया आपका ट्रांसलेशन और 2 कौन से हो गई। ट्राईएटॉमिक में आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर 2 आती हैं। लीनियर में, लीनियर का एग्जांपल आपका कौन सा हुआ, CO2 हो गया, और लाल नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, H2O हो गया। तो उसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लीनियर है उसमें कितना होता, 7, और इसमें जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अच्छा, 7 में जो लिखा गया है 2+3+2 ऐसे लिखा गया, कोई स्पेशलाइज नहीं किया है, लेकिन 6 में तो क्लियर है कि 3 ट्रांसलेशनल होती हैं और 3 रोटेशनल होती हैं। तो फिर से एक बार समझ लो कि मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 3 आया, तीनों कैसी हुई, ट्रांसलेशनल हुई। डायटॉमिक में 5 आया, उसमें क्या हुआ, 3 और 2 हुआ, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल हो गया। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक में। पॉलीएटॉमिक में जो है पहला जो केस आया हमारा लीनियर आया, लीनियर में 7 आया। ठीक, तो इसको स्पेशलाइज ऐसे नहीं किया, वैसे 2+3+2 ऐसे लिखा। और इसके बाद हम आते हैं कौन सा, नॉन लीनियर में, इसमें क्या आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आया। अब ये फार्मूले वैसे नहीं, ऐसे याद कर लेना। ठीक, तो 6 आया, तो 6 में कितना हो जाएगा, 3 जो हो गई कौन सी, और 3 क्या हो गई, रोटेशनल हो गई। ठीक, तो अभी तक जो पूछा गया था वो केवल जो ये कौन सी एनर्जी होगी, केवल डायक पूछा गया है, बाकी और किसी को नहीं पूछा गया था, मतलब ये एनर्जी कौन सी होगी ये हम बात बता रहे हैं। ठीक, बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रटना है आपको, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप रट डालिए। मोनो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3, डाया का 5, और पॉली में लीनियर का और नॉन लीनियर का, ये रट डालना, ये रटा होना चाहिए, तभी आगे काम आपका आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इसके बारे में जरा समझो। तो काइनेटिक एनर्जी होती हाफ mv², और brms की वैल्यू होती √3 RT/m। तो जब रखेंगे तो ये आएगा 3/2 RT। ठीक, 3/2 क्या हुआ, RT हुआ। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैसे याद करेंगे, देखिए 1 मोल लोगे तो 3/2 RT, म्यू मोल लोगे तो यहीं पे क्या लगा दो,
वन माली क्यूल लोगे तो केटी लग जाता है, और एन माली क्यूल लेंगे तो एन केटी हो गया। अब ग्राम में आ जाओ, एक ग्राम हो गया स्मॉल आरटी, बता चुके हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और एम ग्राम होगा तो एम आरटी हो गया। फिर से देखो, यहीं पर देखो बदल रहा है बस ये, अरे केवल ये याद कर लो बस, 3/2 म्यू आरटी, 3/2 एन के टी और 3/2 एम आरटी। अब उसमें नंबर आप मूल जो दें वो रखते चले जाओ, वैसे इसकी खास जरूरत नहीं, नहीं दोनों की जरूरत हमें है, ठीक। तो 3/2 म्यू आरटी, 3/2 एन के टी, 3/2 एम आरटी, तीन फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब एक वो मोल करेंगे, एक ग्राम करेंगे, एक मालिक्यूल करेंगे तो वन कर देंगे। इसके बाद आते हैं लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी, बोल्ट्समैन लॉ कहा जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में, ठीक। तो यहाँ पर और कोई इससे कोई मतलब ना लिखने को आएगा, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला आता है उसको देखो, और वही पूरा ऊपर वाला है। सिर्फ जानते हो क्या करो, जहाँ जहाँ थ्री है वहाँ वहाँ एफ कर दो। क्या करोगे वहाँ पर एफ, एफ मतलब डिग्री ऑफ, अब अपने आप हिस्स बना लो, यहाँ क्या आएगा एफ बाई टू म्यू आर टी, यहाँ क्या आएगा एफ बाई टू एन के टी, यहाँ क्या आएगा एफ बाई टू एम आर टी। थ्री की जगह हमने क्या कर लिया, एफ कर दिया बस। ये ट्रांसलेशन एनर्जी हो गई, और ये कौन सी एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, तो फार्मूला एकदम कॉमन हो गया। बोलो म्यू आर टी, पहले था 3/2 म्यू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स लोगे और मॉलिक्यूल लोगे तो 3/2 एन के टी हुआ, और ग्राम की बात आई तो 3/2 एम आर टी हो गया। अब यही हम टोटल एनर्जी एसोसिएटेड बाय मॉलिक्यूल हम जब करेंगे तो जहाँ जहाँ थ्री था वहाँ वहाँ एफ कर दो, तो क्या हो जाएगा एफ बाई टू म्यू आर टी, फिर क्या हो जाएगा एफ बाई टू एन के टी, फिर हुआ एफ बाई टू एम आर टी, बस रट गया, बोल दो। अब आगे आते हैं, अब दो चीज़ें मतलब कि अभी तक मिली आपको, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रटना है, और दूसरा ये जो हमने बता दिया कि 3/2 म्यू आर टी, फिर बता दिया 3/2 एन के टी, फिर बता दिया 3/2 एम आर टी, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में आएगा एफ बाई टू म्यू आर टी, एफ बाई टू एन के टी, एफ बाई टू एम आर टी, ठीक। अब आगे आते हैं, अब हम ये इनको जरा ध्यान, डायरेक्ट से पूछे जाते हैं स्पेसिफिक, ये सी पी सी बी इनके बारे में आ जाओ, ठीक। यहां समझो, सी बी इसको ऐसे याद कर लेना, निकालने का तो फार्मूला क्यू बराबर सी बी डेल्टा टी और यू बराबर एफ बाई टू म्यू आर टी, दोनों डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है, लेकिन वहाँ डिवाइड करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सीधे फार्मूला याद करेंगे। सी बी इज इक्वल टू होता है एफ आर, एफ क्या होता है डिग्री ऑफ, आर गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब इधर देखो, यही सी पी भी निकाल लो, कैसे निकालोगे, सी पी माने सी बी इज इक्वल टू, तो सी पी इज इक्वल टू क्या हुआ आर प्लस, तो आर आर बाहर निकाल लो, चाहे याद कर लो चाहे इसी से काम चला लो, दोनों तरीका है। याद हो जाता तो अच्छी बात, नहीं याद होता तो बहुत अच्छी बात है। सी बी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू से हम सी पी भी निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग गामा, और गामा जो होता है ये सी पी अपान, तो सी पी
आर आर कैंसिल हुआ तो क्या बचा? ठीक, केवल सीबी से सब हमारा निकल आया। सीबी इक्वल टू हमने याद कर लिया एफ आर बाई टू, तो सीपी निकाल लिया क्योंकि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। और जब यह निकल आया तो गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो कहा जाता है दैट इज इक्वल टू सीपी अपान सीबी। और जो याद करने में माहिर तो याद कर ले दोनों बातें, नहीं याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक याद कर लो, सीबी से सारे निकल आएंगे आपके। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो तीनों निकाले कौन तीनों, सीबी सीपी और गामा, अब हम ये पढ़ेंगे मोनो डाया और पॉली के लिए क्या वैल्यू होती इनकी। ठीक, तो अब एक एक करके हम लोग आ रहे हैं। फॉर मोनो एटॉमिक चलो मोनो एटॉमिक के लिए सीबी की वैल्यू बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सीपी की वैल्यू बताइए, 3 5 बाई गामा की वैल्यू बताइए, बोलो 5 बाई सब निकल आया। अब आते हैं डायटॉमिक के लिए, अब डायटॉमिक में बताओ सीबी, बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम डाया कितना होता है, 5। सीपी बताइए, 7 बाई तो 7r/ गामा बताइए, ये कितना हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में आओ, वो सॉरी सी भी बताओ। अच्छा पॉली में दो, पहले हम ले रहे हैं किसका, लीनियर का, चलो बताओ लीनियर का सी भी क्या हो जाएगा, कितना होता है 7 होता है तो कितना हो जाएगा 7r/ सीपी बताओ। अबे सीपी 9/ गामा, ठीक, अब आ जाओ नॉन लीनियर, सी भी बताओ 6 होता है तो कितना आएगा, सी भी बताइए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हमारा 6 6 2 8/6 कितना हुआ 4/ सॉरी हाँ यार 4 गामा बताओ, तो वहां 6 2 8/ तो 4/ हम लोग ये याद करते थे। बोलो तो ये क्या होता, कभी कभी डायरेक्ट से पूछ लेते हैं और इनकी न्यूमेरिकल में हमें जरूरत होती है। ठीक, अब फिर से एक बार पूरी कहानी समझ लो, जो मतलब की चीज है उतना मतलब चीज सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से है। ठीक, मोनोटॉमिक के लिए बताओ 3 हो गया जिसमें से सारी ट्रांसलेशनल हुई, डायटॉमिक बताओ 5 हुआ, 3 और 2 का रेशियो, 3 ट्रांसलेशनल और 2। फिर इसके बाद आते हैं पॉलीएटॉमिक में, पॉलीएटॉमिक में लीनियर के लिए क्या हुआ 7 हुआ, और फिर आते हैं नॉन लीनियर क्या हुआ 6 हो गया, 3 3 का रेशियो हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सीवी इज इक्वल टू क्या होता है Fr/2, तो सीवी से हमने क्या निकाल लिया सीपी, और जो सीवी और सीपी मालूम है तो क्या निकाल लिया गामा। ठीक, गामा निकाल लिया, अब हम मोनो डाया और पॉली तीनों के लिए सीपी सीबी और गामा निकाल सकते हैं। गामा तो इस और रटे रहे ना, लेकिन मान लो सीपी सीबी नहीं रटते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लिया करेंगे हम। इतनी बात क्लियर हुई सबको, एकदम आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं इसमें।
और ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सीधे। अब हम एक चीज आते हैं, ये देखिए, मान लो म्यू वन मोल एंड म्यू टू मोल मास एम वन एंड एम टू है, दोनों मिक्स किए गए, ये मिक्सचर बना। तो मास ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगा म्यू वन एम वन म्यू टू एम टू अपान। अब अच्छा, जरूरत कैसे पड़ेगी इसकी, जैसे साउंड में चलोगे, अब वहां पर भी या यहां पर भी क्वेश्चन ये आया कि यहां पर उन्होंने कहा भाई हीलियम ऑक्सीजन इस तरह से मिलाया जा रहा है, मिक्सचर बना, तो मिक्सचर में वेलोसिटी और हीलियम में वेलोसिटी का रेशियो क्या है, तो हमें मिक्सचर का मास लाना चाहिए, लाना पड़ेगा, मिक्सचर का गामा लाना, वो ये म्यू लाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हमने बताया, मास का क्या हो गया म्यू वन एम वन प्लस म्यू टू एम टू अपान म्यू वन प्लस। अब दूसरा चीज़ देखो, ये सी पी वन, दूसरी सी पी टू, और इसको हमने कहा सी पी, तो सी पी मिक्सचर, तो म्यू वन सी पी वन म्यू टू सी पी टू और म्यू वन प्लस। अब आ जाओ सी बी मिक्सचर, ये सी बी वन तो बताइए सी वी मिक्सचर का फॉर्मूला बताइए, म्यू वन सी बी वन म्यू टू अपान, ये निकल आया। अब हम लोग आते हैं गामा मिक्सचर, ये गामा वन गामा टू एंड गामा, तो गामा मिक्सचर का फॉर्मूला म्यू वन गामा वन म्यू टू गामा टू। क्लियर हो गया, इस पर इस चैप्टर में खूब क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा आए हैं इस पर गामा मिक्सचर का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला इसी का और है, गामा वन म्यू वन गामा वन अपान गामा वन माइनस वन प्लस इधर देखिए, दूसरा फॉर्मूला ये होता है इसका। अच्छा, दूसरा हम ये भी निकाल सकते हैं कि सी पी मिक्सचर अपान बोलो, तीसरा ये देख लो क्या, म्यू वन गामा वन गामा वन प्लस म्यू टू गामा टू गामा टू अपान अपान म्यू वन। लेकिन इसको जो सॉल्व करोगे तो 90% लोग जो है गलत करोगे, ठीक, तो उसी से निकाल लिया करना है, और इसे हम ये कराएंगे इससे आपको। तो ये इतने फॉर्मूले आपके, फॉर्मूले क्या है, एकदम कॉमन सी चीज़ है। मास्क मिक्सचर निकालना है तो सीधे क्या हो गया बताओ, म्यू वन एम वन प्लस म्यू टू एम टू अपान म्यू वन प्लस। सी पी मिक्सचर बताओ, म्यू वन सी पी वन प्लस म्यू टू सी पी टू अपान म्यू वन प्लस। सी बी मिक्सचर बताइए, म्यू वन सी बी वन प्लस म्यू टू सी बी टू अपान म्यू वन प्लस। फिर आते हैं गामा मिक्सचर, आ जाओ क्या हो जाएगा, म्यू वन गामा वन प्लस म्यू टू गामा टू अपान म्यू वन प्लस, या यही हो जाएगा सी पी मिक्सचर अपान सी बी मिक्सचर, या यही हो गया
म्यू वन गामा वन अपान गामा वन माइनस वन प्लस म्यू टू गामा टू अपान गामा टू माइनस वन अपान। ठीक, अब वहां से जो है गामा वन ऊपर हटा देते हैं। देखो ये ऐसे याद करने का तरीका होता है, क्या डिसिमिलरिटी है, तो डिसिमिलर ये गामा वन नहीं है यहाँ, तो म्यू वन अपान गामा वन माइनस वन प्लस म्यू टू अपान गामा टू माइनस। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है गामा मिक्सचर पे आया है, तो हमें लग रहा है अब लगभग याद हो गया होगा सबको। अरे भाई मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया का 5, पॉली का 7 और 6, सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, वो याद कर लिया, उससे हमने सी पी निकाल लिया, उससे गामा निकाल लिया, या गामा याद करना चाहे तो 2 प्लस एफ बाई एफ होता है। ठीक, और इसके बाद जो है मिक्सचर के सारे फॉर्मूले हो गए। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन सिर्फ इसी में जो आएगा तो आएगा, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं होते हैं, अदरवाइज तुम लोग उस मेथड से कर लेना। ठीक, और वो वाला जो एनर्जी वाला बताया, क्या फॉर्मूला बताया बताओ, 3/2 म्यू आर टी, 3/2 एन के टी, 3/2 एम आर टी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में चलेंगे, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ, बस हो गया, रट गया, एक क्वेश्चन पक्का है समझ में। क्वेश्चन है सिलेंडर ऑफ द फिक्स कैपेसिटी 44.8 लीटर कंटेन्स 2 मोल ऑफ हीलियम, तो म्यू हमें दिया है 2 मोल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस सिलेंडर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा थीटा दिया गया आपको और हीट आपको निकालना है। ठीक, सिलेंडर फिक्स्ड कैपेसिटी कंटेन्स 2 मोल ऑफ हीलियम, व्हाट अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू, बताओ फॉर्मूला बताओ, कौन सा यूज करेंगे, हैं म्यू आर टी, ठीक है ठीक है। अब बताओ इसमें म्यू तो दिया दिया है, नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 दिया है, ठीक, आर भी दिया है, और डेल्टा टी निकालो कितना आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू बताओ म्यू म्यू, अबे सॉरी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, 3/2 ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे उससे निकालते क्यू बराबर म्यू सी बी डेल्टा थी, सी बी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाते, क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम लगाते, क्योंकि ये देखिए फिक्स वॉल्यूम दिया गया है, तो सी बी की वैल्यू लगाते तो क्या आता, 3/2 एफ आर बाई टू, सी बी बराबर क्या होता है FR/2, तो यही फॉर्मूला आपका आ जाता। बोलिए, मतलब ये देखो यही आया कि नहीं आया, एफ आर, ठीक, सी बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम यहाँ क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सी पी नहीं लिया, सी बी लिया। चलो अगला बताओ, सेम गैस इज फिल इन टू वेसल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1:4, सेम गैस और सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
1:4, तो ए दे रहे हैं द आरएमएस वेलासिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। अब बताओ ये सही है गलत है, आरएमएस वेलासिटी फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3 RT अपान, तो वहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 3 RT तो हुआ। अब दूसरा कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ प्रेशर, अब बताओ प्रेशर का रेशियो कह रहे हैं 1:4 होगा, तो ये प्रेशर का रेशियो कैसे निकालोगे? बताओ। अरे यार P1/P2 क्या हो गया? 1:, तो दोनों सही है आपका, ए भी सही, ए भी करेक्ट है। और हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ हीलियम। ये हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। टेम्परेचर 0 से, तो डेल्टा थीटा आपको दिया है 100 डिग्री। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV, चलो बताओ फार्मूला बताओ कौन सा लगाओगे। हाउ मच एनर्जी शुड बी एडेड एट गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग 1 ग्राम ऑफ द, अब बताओ कि हीट का फार्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर? बोलो Q=μ, कांस्टेंट क्या है? पहले क्या दिया है? कांस्टेंट वॉल्यूम CV, बोलिए। अब हमें यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत ये पड़ेगी, ये मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो CV मिक्सचर लगाएंगे, क्या आएगा बताओ? CV मिक्सचर कितना आएगा? CV मिक्सचर बोलो μ1, तो μ1 1 और सी, अच्छा रुक जाओ पहले ये निकाल लें हम ना, ये बताओ ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन मोनो है कि डायटॉमिक है? क्या है? डायटॉमिक है, तो डायटॉमिक का CV ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बोलो? Fr/2 होता है, तो 5/, अच्छा अब CB हीलियम आ जाओ, मोनोएटॉमिक है, Fr/2 लगाएंगे तो कितना आएगा? अब तुम लोग जरा मिक्सचर का CV निकाल दिखाओ मैं कितना आ रहा है, निकालो सब लोग CV मिक्सचर कितना आ रहा है, दोनों एक एक मोल हैं।